वहां से, और इन कार्यकर्ताओं ने पिछले 4 माह में अमेरिका के 30 प्रांतों में 52 कार्यक्रमों की भव्य प्रस्तुतियां देकर शानदार उपलब्धि हासिल की है। सूरत चैप्टर द्वारा दिसंबर 2017 में संपन्न इस कार्यक्रम की अपार सफलता को ध्यान में रखते हुए सूरत चैप्टर द्वारा इस प्रोग्राम को आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर पुनः आयोजित किया जा रहा है, ताकि हम सब में छिपे अपने देश प्रेम और राष्ट्र के प्रति जो प्यार भरा है उसको उजागर किया जा सके। तो आज के इस प्रोग्राम को मैं आगे बढ़ाते हुए हमारे वन बंधु परिषद के विद्याकर जी बंसल, विनोद जी अग्रवाल, रतनलाल जी दारुका, विजय जी कोकड़ा, सभी से अनुरोध करता हूं कि जो आज के हमारे विशिष्ट अतिथि हैं माननीय श्री सतीश जी शर्मा, आईपीएस पुलिस आयुक्त सूरत, जो हमारे इस प्रोग्राम के विशेष अतिथि हैं, उनको स्टेज पर लेकर आए, और साथ में श्री नयन भाई सुखड़वाला भी जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जी हमारे साथ हैं। इसके साथ हमारे प्रमोद जी चौधरी चेयरमैन प्रतिभा ग्रुप, सुरेश जी, विद्याकर जी बंसल, बाबूलाल जी मित्तल, विनोद जी अनिल जी दारुका, विजय जी कोकड़ा, संजय भाई सरावगी लक्ष्मीपति ग्रुप से, ब्रजमोहन जी अग्रवाल, प्रमोद जी चौधरी, बाबूलाल जी मित्तल, और हमारे सूरत चैप्टर की स्थापना के प्रेरणा स्रोत श्री हरि किशन जी चौधरी। मैं हरि किशन जी चौधरी के बारे में इतना ही कहूंगा कि वो वन बंधु परिषद से ज्वाइन द इंडियन पब्लिक सर्विस इन 1986 एंड हैव बीन पुलिस चीफ इन वलसाड, राजकोट रूरल एंड बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। हमारी संस्था के ही मेंबर के साथ कुछ भाई का स्वागत करें, और कोई भी इस कार्य में जुड़ना चाहता है, क्योंकि ये पूरा जो ट्रैफिक पुलिस है वो हमारे सूरत का सीसीटीवी कैमरे के थ्रू जो है मॉनिटर होता है, उसका बहुत बड़ा यूनिट कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफिस में लगा हुआ है, तो इस कार्य में उनका विशेष सहयोग रहा है। थैंक यू सर। वार्षिक उत्सव एवं स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित
एकल सुर ताल के भव्य कार्यक्रम में पधारे सभी महानुभावों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के समारोह के आदरणीय अतिथि माननीय श्री सतीश जी शर्मा पुलिस कमिश्नर सूरत का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने मार्गदर्शन में ही ये सूरत चैप्टर की स्थापना हुई। सो थैंक यू वेरी मच सर। और हमारे बीच मुकुंद प्रकाश ब्रह्मचारी जी महाराज जी भी बैठे हुए हैं, जो श्री गोधाम में जा रहा है, जब 52 शक्तियों के रूप में 52 गौ माता का पूजन होगा और इंडिया में पहली बार ये इतना विशाल प्रोग्राम हो रहा है। सो थैंक यू वेरी मच सर फॉर कमिंग हियर और प्रोग्राम। भारत के स्वतंत्रता दिवस की इस पूर्व संध्या पर यहां आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित एकल अभियान के सूरत चैप्टर के प्रमुख श्री विनोद चौधरी, मंच पर विराजमान सभी महानुभाव और यहां कार्यक्रम में कार्यक्रम पेश करने वाले सभी बच्चे और बाहर से आए मेहमान और भाइयों बहनों, बाहर अभी एक प्रदर्शनी बच्चों ने बहुत जल्दी एक घंटे में बोले कि चित्रकारी की प्रदर्शनी उन्होंने तैयार की। उसमें एक स्लोगन बहुत अच्छा लिखा हुआ है इंग्लिश में, वो ये है कि एजुकेशन इज द गोल्डन की टू फ्रीडम। यानी आज हम स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता का पर्व मनाने की पूर्व संध्या पे हैं, स्वतंत्रता की स्वर्णिम कुंजी जो है वो एजुकेशन है, शिक्षा है। एक ही छोटे से वाक्य में कितनी गूढ़ और जरूरी बात कही गई है उस बच्चे के द्वारा। खाली राजनीतिक स्वतंत्रता हमको जो 1947 में मिली उससे पूरे भारत के सभी नागरिक स्वतंत्र हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। उसके हर नागरिक जब तक उस स्वतंत्रता से मिलने वाले हक और अधिकारों का सही माने में जब तक वो अधिकार वहां उस तक नहीं पहुंच जाएंगे तब तक हमारी स्वतंत्रता अधूरी है। और शिक्षा पहली जरूरी चीज है कि जिसके द्वारा नागरिक को अपने हकों के लिए, पहली बात तो यह है कि शिक्षा ही आपको यह बताएगी कि कैसे आप, क्या क्या आपके हक हैं क्या नहीं है। इसलिए शिक्षा बहुत ही अहम और जरूरी चीज है। इस बात को ध्यान में रखते हुए एकल विद्यालय का जो अभियान चला है ये खूब सराहनीय है। मैं इस अभियान के, जिन्होंने भी अभियान शुरू किया और जो चला रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। वो देश के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आज भी एक दिन मैं ऐसे ही, अभी हमारे यहाँ गुजरात में पिछले, जब से श्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने थे, शिक्षा की, प्रारंभिक शिक्षा पर इतना जोर दिया जाता है कि सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स और सारे मंत्री और सब लोग साल में दो अलग अलग मौके पे तीन तीन दिन सब स्कूलों में जाके, और पहले जून महीने में बच्चों के एडमिशन करवाते हैं और फिर नवंबर या दिसंबर महीने में जाके ये चेक करते हैं कि शिक्षा की क्वालिटी कैसी है। तो इस अभियान से ये जो प्रोग्राम है, इनमें अभी एक प्रोग्राम इसी श्रृंखला का एक हुआ था, जिस प्रोग्राम में ये बताया गया कि भारत में अभी लगभग 95% कहें कि 95% बच्चे जो हैं वो स्कूलों में उनको आ जाते हैं, दाखिला मिल जाता है। कहने को तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन जब हम देखते हैं कि जो 5% बच गए उनकी संख्या कितनी है, तो उनकी संख्या करीब 6 करोड़ बच्चे, मतलब 6 करोड़ बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिनकी शिक्षा, जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे दूर दराज के और आदिवासी जंगल इलाकों में रहते हैं। इन बच्चों को जब तक इन बच्चों तक शिक्षा नहीं पहुंचाएंगे हमारी,
आजादी या स्वतंत्रता बिल्कुल अधूरी है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए जो काम किया जा रहा है कल विद्यालय अभियान के द्वारा बहुत ही सराहनीय है। साथ ही आज जब देशभक्ति की मतलब देश की स्वतंत्रता का ये पूर्व संध्या का अवसर है, इस पे कुछ चीजें और भी समझने की जरूरत है कि स्वतंत्रता का मतलब क्या है या देशभक्ति का मतलब क्या है। स्वतंत्रता का सबसे अच्छा मतलब जो मैंने कहीं पढ़ा वो ये था कि सही काम करने की आजादी। स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि हमको जो मन में आए वो करने की आजादी, लेकिन सिर्फ सही काम करने की जो आजादी है वो स्वतंत्रता है। बहुत से लोग इसका गलत मतलब निकालते हैं, उनको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि स्वतंत्रता का सिर्फ ये मतलब होता है। देशभक्ति क्या है? हम बड़े इमोशनल लोग हैं, जब हमारे सामने या प्रोग्राम पेश होते हैं गाने गाए जाते हैं कि भाई मेरे वतन के लोगों, तो हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब राष्ट्रगान बजता है तो हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं, फिर आंसू पहुंच के अपने घर पे जाके फिर वही करने लगते हैं जो हम करते हैं, चाहे वो देश के लिए हित में हो चाहे देश के विरोध में। खाली इमोशनल होने से, तालियां बजाने से, देशभक्ति के गाने गुनगुनाने से या उसकी कॉलर ट्यून बनाने से देशभक्ति नहीं होती। देशभक्ति बहुत गहरी चीज है और उसके लिए आपको कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं। देश क्या है? हम सब जो मिलते हैं तो एक समूह, जो हमारा समूह है वो देश है। अगर वो समूह अगर देश है तो उस समूह को नुकसान करे ऐसी कोई चीज हमें नहीं करनी चाहिए। और समूह में सब आ जाते हैं। समूह में एक आदमी भी अगर ऐसा है जिसका कि हम नुकसान कर रहे हैं तो गलत है। इसलिए सच्ची देशभक्ति वो है कि कैसे हम अलग अलग रोल जो हम अपने जीवन में कर रहे हैं उनमें अपना कर्तव्य पालन कैसे कर रहे हैं। क्या हम एक, अगर मान लिया परिवार में है तो क्या हम एक अच्छे पिता हैं? क्या हम एक अच्छे पति हैं? क्या हम एक अच्छी पत्नी हैं? क्या एक अच्छी माँ है? क्या हम अगर कम उम्र के हैं तो अच्छे बेटे हैं बेटी हैं? परिवार के बाहर आते हैं तो क्या हम एक, जिस पड़ोस में रहते हैं उसके एक अच्छे नागरिक हैं? जहां पे हम काम करते हैं तो क्या वहां पे हम एक अच्छे वर्कर हैं या अच्छे बिजनेसमैन हैं या अच्छे गवर्नमेंट ऑफिसर हैं? ये सब बातें देख के और उसके बाद ये निर्णय लिया जा सकता है कि कोई व्यक्ति देशभक्त है। हमारे यहां हिंदुस्तान में, भारत में एक बहुत सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो ये है कि हम कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। जब कहने की बात आती है, प्रचार करने की बात आती है तो हम बहुत अपने को ये दिखाते हैं कि हम बहुत देशभक्त हैं, हम बहुत त्याग करते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन जब आचरण की देखा जाता है बातों में और आचरण में हमारे यहां जितना फर्क है इतना दुनिया में शायद कहीं। हमें ये कमी, ये जो खाई है इसको जब तक हम दूर नहीं करेंगे तब तक सच्ची देशभक्ति नहीं हो सकती। हम ट्रैफिक के विषय पे बड़े बड़े सेमिनार करते हैं, उसपे मतलब पार्टिसिपेट करते हैं, अवेयरनेस के प्रोग्राम करते हैं, लेकिन जब खुद गाड़ी चलाते हैं तो ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो क्या फायदा? इसलिए हमें अपने बच्चों को ये चीज सिखाना बहुत जरूरी है कि जैसा कथन वैसा आचरण होना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी देशभक्ति है। आज हम बहुत खुशकिस्मत है कि हमारा देश एक ऐसे दौर से गुजर रहा है कि जहां जिसकी दुनिया ने हमारा लोहा मान लिया है। कोई भी क्षेत्र, हर क्षेत्र में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम एक इतिहास के ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जब भारत को एक डेमोग्राफिक एडवांटेज, जिसको बोलते हैं कि जनसंख्या का एक ऐसा हमको लाभ मिल रहा है, क्योंकि हमारी जो जनरेशन, हमारे जो पॉपुलेशन है उसमें जो नवयुवानों का जो परसेंटेज है वो ज्यादा है। ये डेमोग्राफिक एडवांटेज हमको 10, 20, 25 साल से ज्यादा नहीं मिलेगा। इस 20, 25 साल को कैसे हम ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ उठा के और अपने देश को बड़ी से बड़ी ऊंचाइयों पे कैसे पहुंचाएं, ये हमारा
सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए और इसमें सभी का योगदान जरूरी है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम करते हो। कोई भी देश इसलिए महान नहीं होता कि उसकी संस्कृति महान है या उसके लीडर महान है। देश तब महान होता है जब उसका एक एक नागरिक जो है वो उसका जो स्तर है वो ऊंचा होता है। बहुत से देश ऐसे हैं जहां पिछले 100 साल अगर आप देखने जाओगे तो उनको कोई बड़ा लीडर नहीं मिला, और भारत इतना खुशकिस्मत देश है कि सैकड़ों की संख्या में वर्ल्ड क्लास लीडर हमारे यहां पैदा हुए। फिर भी हम पिछड़े हुए क्यों, पीछे क्यों हैं? बहुत से इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो यूएन और अलग अलग जो इंटरनेशनल एजेंसी हैं बहुत सारे सर्वे करते हैं, इंडिकेटर देते हैं, और कहीं पे भी हम आगे नहीं रहते, कहीं बीच में कहीं पीछे। कारण क्या? कारण यही है कि हमारे अच्छे से अच्छे लीडर कितने ही काम करें, कितना ही हमको गाइडेंस दें, कुछ भी करें, लेकिन जो एवरेज नागरिक का जो स्तर है वो ऊपर नहीं। श्री विवेकानंद ने कहा था कि देश महान तब बनता है जब उसका एक एक नागरिक जो है वो विकसित, समृद्ध और जागरूक हो जाए। इस बात को ध्यान रखते हुए हम सब की जवाबदारी है कि अपने जीवन में हम अपना विकास कैसे करें, हम कैसे अपनी बुराई से बच जाएं व्यक्तिगत जीवन में भी, क्योंकि जो खुद अगर मान लिया हम अपने को ही ठीक नहीं कर सकते तो आगे हम बाकी किसी से अपेक्षा रखना कि कोई लीडर हमको ठीक कर देगा ये गलत है। इसलिए हम सब भारतीयों का एक कर्तव्य है अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने व्यक्तिगत जीवन में या जिस स्फीयर में हम काम करते हैं उस सारे स्फीयर में कैसे हम आगे बढ़ते हैं, कैसे हमारे साथ में जो हैं जो थोड़े कमजोर हैं उनका हाथ पकड़ के आगे लेते हैं, कैसे देखें कि कोई भी हमारा साथी पीछे भाई पीछे नहीं छूटे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम अगर काम करेंगे तो बहुत तेजी से हमारा देश विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएगा। आज इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए एकल परिवार को, अभियान को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद और बधाई देता हूं। मुझे आशा है ऐसे कार्यक्रम आप करते रहेंगे और ये अभियान और प्रगति करे और सभी बच्चों, जैसे कहा कि 1 लाख का टारगेट इनका है, 1 लाख गांव तक पहुंच जाए, ऐसी शुभकामना के साथ आप सबको जय हिंद। सूरत चैप्टर के वार्षिक उत्सव के निमित्त इंडिपेंडेंस डे के पूर्व संध्या पर आयोजित एकल सुरताल कार्यक्रम में पधारे सभी महानुभावों का आभार व्यक्त करता हूं। आज के समारोह के मुख्य अतिथि श्री सृष्टि शर्मा पुलिस आयुक्त सूरत, अतिथि विशेष श्री श्याम सुंदर जी पंसारी सूरत के अग्रणी उद्योगपति। Oh,
श्रीमान तिलक चंद्र जी। तिलक चंद्र जी हमारे सिक्किम प्रांत से हैं और एकल अभियान में 18 साल से पूर्णकालीन के रूप में कार्य कर रहे हैं। वृंदावन में आपने प्रशिक्षण लिया था कृष्ण कथा का, और सुंदर कथा आप कहते हैं। भागवत सप्ताह बहुत ही अच्छे ढंग से संगीतमयी आपकी कथा होती है। हमारे तिलक जी इस टीम में आप देख रहे हैं कितनी बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। श्रीमान राधेश्याम जी। राधेश्याम जी झारखंड के रहने वाले हैं, 16 वर्ष से एकल अभियान में पूर्णकालीन के रूप में कार्य कर रहे हैं और अयोध्या जी में प्रशिक्षण लिया, तब से निरंतर आप संगठन से जुड़े हुए हैं और इस टोली में आपकी विभिन्न भूमिका आपने यहाँ देखा। श्रीमान जोहन सिंह जी। जोहन सिंह जी मध्य प्रदेश मंडला जिला के रहने वाले हैं और 8 साल से पूर्णकालीन हैं। अयोध्या जी में आपने प्रशिक्षण लिया और तब से निरंतर इस टोल संगठन में जुड़ करके कार्य कर रहे हैं। इस टोली में भी आपकी भूमिका, तबला में आप संगत कर रहे थे और कई भूमिका आपकी थी। श्रीमान रविंद्र जी। रविंद्र जी झारखंड से हैं, झारखंड के लातेहार जिला जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, और कभी ये भी नक्सल हो चुके थे लेकिन एकल का प्यार, आपका स्नेह इन तक पहुँचा और इन्होंने कार्यकर्ता बन करके आज एकल अभियान में अपना जीवन को सार्थक कर रहे हैं। 16 साल से पूर्णकालीन हैं और अयोध्या जी में आपने भी रामकथा का प्रशिक्षण लिया। हमारे साथ चार बहनें हैं,
श्रीमान संदीप जी, संदीप जी गायब हो गए, संदीप जी हमारे झारखंड के हैं आप भी और 12 साल से पूर्णकालीन के रूप में कार्य कर रहे हैं। अयोध्या जी में रामकथा का प्रशिक्षण लिया, इस टोली में आप प्रमुख रूप से कीबोर्ड में संगत करते हैं। हमारे साथ 4 बहनें हैं, एक बार बहनों के लिए आपकी ओर से जोरदार ताली। जिन बहनों ने आपके प्यार आपके स्नेह के कारण घर और परिवार छोड़ करके महीनों महीनों दूर रहती हैं केवल केवल आपके स्नेह के कारण प्यार के कारण, तो आइए सबसे पहले बहन प्रिया, प्रिया बहन असम से हैं, सिलचर की रहने वाली हैं और पिछले 12 साल से पूर्णकालीन के रूप में कार्य कर रही हैं। असम में हरिकथा के बहुत खास जिम्मेवारी थी पर इस टोली में इनकी आवश्यकता महसूस किया गया और वहाँ के कार्यकर्ताओं ने बड़ा दिल दिखा करके हमें इस टोली में सौंपा और आपने देखा प्रिया बहन की कितनी अच्छी भूमिका यहाँ। तो हमारी प्रिया बहन आगे, बहन सुमित्रा, सुमित्रा बहन मध्य प्रदेश भोपाल के पास में एक रायसेन जिला है, रायसेन की रहने वाली और 6 साल से पूर्णकालीन के रूप में कार्य कर रही हैं। अयोध्या जी में प्रशिक्षण लिया और बहुत अच्छी, आप भी राम कथा के वक्ता हैं, गांव में बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं आपकी और इस टोली में आपने कई भूमिकाओं में इनको देखा। हमारे बीच हिमाचल से बहन नीना, नीना बहन जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, पीछे इनके स्क्रीन में एलईडी स्क्रीन में इनके घर इनके परिवार के चित्र भी आ रहे हैं। नीना बहन 6 साल से पूर्णकालीन के रूप में इस अभियान में जुड़ करके काम कर रही है। अयोध्या जी में आपने रामकथा का प्रशिक्षण लिया, हिमाचल चंबा खजियार की रहने वाली और बहुत ही अच्छी भूमिका, एक भूमिका हम लोग यहाँ समय के अभाव पर नहीं कर पाए, मीरा कृष्ण की, ओ क्या मीरा की अद्भुत इसकी प्रस्तुति है। हमारे बीच में अंत में बहन करुणा, करुणा बहन भी हिमाचल की है, सिरमौर की रहने वाली, हिमाचल सिरमौर की और 4 वर्ष से पूर्णकालीन है, आप भी कथाकार हैं, अयोध्या जी में 6 महीने का प्रशिक्षण लिया, बहुत ही सुंदर कथा कहती हैं, सर्विस छोड़ करके इस अभियान में जुड़ी। इनके मन में संकल्प हुआ मुझे भी कुछ करना है देश समाज धर्म के लिए, सर्विस करती थी उसको छोड़ करके हमारे साथ में है। तो ये हमारे भाई बहनों का परिचय था जो आप स्क्रीन में देखे कैसे कैसे परिवारों से आकर के केवल केवल एकल और आपके प्यार और सहयोग के कारण आज हम सब यहाँ तक आए हैं। एक बार पुनः हम सभी भाई बहनों की ओर से आपको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दिलेश्वर।